सब्सक्राइब कीजिए नुमान टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान तेर और आप देख रहे हैं नुमान टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो यार, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि GB व्हाट्सएप इस्तेमाल करते होंगे, और मैं क्योंकि खुद एक दुकानदार हूँ तो मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे कस्टमर आते जो कि मुझे बोलते हैं यार आप हमें मोबाइल फ़ोन में जो है ना वो GB व्हाट्सएप जो है वो इंस्टॉल कर दीजिए। जबकि मैं बिल्कुल भी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप GB व्हाट्सएप इंस्टॉल कीजिए, हमेशा आप प्ले स्टोर से या एप्पल के ऐप स्टोर से जाके जो ऑफिशियल व्हाट्सएप होता है वो ही इंस्टॉल कीजिए। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है ना यार, मैं ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और मैंने सोचा आपको जो है वो लाजमी बता दिया जाए कि दुनिया की जो सबसे हाई सिक्योरिटी जो कंपनी है साइबर क्राइम की, वो ईसेट कंपनी का नाम है, उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ अच्छी तरीके से वाजिया की है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोगों के फ़ोन का डाटा चोरी किया जाता है और लोगों के फ़ोन हैक किए जाते हैं और लोगों के फ़ोन के जो वायरस वगैरह भेजा जाता है ना वो एक एप्लीकेशन के थ्रू भेजा जाता है, वो है GB व्हाट्सएप। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये जो GB व्हाट्सएप है आपके यूज़ करने में आपका नुकसान जो है वो कितना ज़्यादा है और आपका फ़ायदा जो है वो कितना कम है। अभी हम लोग GB व्हाट्सएप क्यों यूज़ करते हैं कि उसके अंदर हमें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि हमें ऑफिशियल व्हाट्सएप पर देखने को नहीं मिलते। लेकिन आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि यह GB व्हाट्सएप ना तो गूगल का प्ले स्टोर अलाउ करता है और ना ही एप्पल का ऐप स्टोर अलाउ करता है, यानी कि ये दोनों ही प्लेटफॉर्म कितने बड़े प्लेटफॉर्म हैं, ये GB व्हाट्सएप को अपने प्लेटफॉर्म पे अलाउ नहीं करते क्योंकि इनको पता है कि ये ट्रस्टेड ऐप नहीं है। तो आप इसके ऊपर अपना क्यों ट्रस्ट करते हैं? हालांकि जब आप GB व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं ना तो आपकी सोच भी नहीं है कि आप अपना तमाम मोबाइल का जो एक्सेस है ना वो उस एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि जब भी आप GB व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं उसकी ऊपर आपकी वो तमाम परमिशन जो है वो मांगते हैं, जिसके अंदर आपके कॉन्टैक्ट्स हो गए, आपका फ़ोन का डाटा हो गया, आपका माइक हो गया, आपका कैमरा हो गया, आपकी लोकेशन होगी, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो ट्रैक हो रही होती है, यानी कि आपका डाटा चोरी होने के फुल चांस है, आपकी लोकेशन लीक होने के फुल चांस है, आपका कैमरा, आपका माइक, आप जो बातें करते हैं, जो सुनते हैं, जो चैट करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो आपका चोरी होने का, आपका मोबाइल हैक होने का, ये आपका डाटा लूज़ होने का, ये कह लें कि फुल जो है ना चांस निकल कर आते हैं। तो यार, जब दुनिया की जो साइबर क्राइम कंपनी है उन्होंने, साइबर सिक्योरिटी कंपनी है उन्होंने इस चीज़ को वाजे कर दिया ईसेट कंपनी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कि GB व्हाट्सएप जो इतना ज़्यादा नुकसान दे है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर GB व्हाट्सएप को इंस्टॉल क्यों करते हैं, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो यार, आप खुद भी बचे इस चीज़ से, लोगों को भी बताएं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के अंदर, अपने दोस्तों वगैरह को, तमाम अपने ख़ानदान के अंदर इस चीज़ को आप वाजे किया करें कि आप खुद भी चीज़ से बचें कि GB व्हाट्सएप जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है बल्कि नुकसानदेह ज़्यादा है, क्योंकि इसके ज़रिए आपके तमाम मोबाइल फ़ोन की जो चीज़ें हैं ना, जैसे कैमरा हो गया, माइक हो गया, तमाम चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई, तो वो तमाम चीज़ें आपकी लीक हो रही होती है। तो यार, क्या फ़ायदा? चंद फीचर्स के लिए आप अपना पर्सनल डाटा जो है वो खो सकते हैं, अपनी पर्सनल ID खो सकते हैं, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन खो सकते हैं, तो खाली चंद फीचर्स के लिए। हत्या कि जो उसके अंदर फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं ना, स्टेटस डायरेक्ट कॉपी करने का, वो आप कोई भी प्ले स्टोर से रैंडमली कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके तो वो चीज़ें वगैरह आप कर सकते हैं, आम जो ऑफिशियल जो व्हाट्सएप होता है ना उसके अंदर भी। तो लेकिन बस वो लोगों के अंदर जो है ना वो आदत पड़ चुकी है लोगों को, और लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया में GB व्हाट्सएप कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि वहाँ पे GB व्हाट्सएप के इस्तेमाल की वजह से इतनी सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, काफ़ी लोग GB व्हाट्सएप के ऊपर जाते हैं, और काफ़ी लोग जो है वो मेरे पास भी आते हैं और मुझे बोलते हैं कि यार आप हमें अपने मोबाइल में जो है ना या ये GB व्हाट्सएप वगैरह जो है इंस्टॉल कर दें, हमने नया मोबाइल लिया इसमें GB व्हाट्सएप कर दें। तो मैं उन सबको यही बोलता हूँ कि यार आप GB व्हाट्सएप ना किया करें, जो ऑफिशियल प्ले स्टोर पर जो आपको व्हाट्सएप देखने को मिल जाता है या एप्पल के ऐप स्टोर पर आपको व्हाट्सएप देखने को मिल जाता है वही जाकर इंस्टॉल कीजिए। तो यार, बस मैंने सोचा छोटी सी एक न्यूज़ आई थी आपके साथ शेयर कर दी जाए, ताकि आपको भी जो है वो अंदाज़ा हो सके कि GB व्हाट्सएप जो लोग यूज़ करते हैं या जो लोग उसके आदि है ना, जो उसको यूज़ करते हैं बड़े फ़खर के साथ, उनको पता चल सके कि यार ये GB व्हाट्सएप के फ़ायदे कम नुकसान से आ रहा है। तो इस वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, और आपके जो इस वीडियो को देख के इस चीज़ को थोड़ा सा सीखेंगे, इसको अमल करेंगे, वो भी आपको जो है वो कल को इंशाल्लाह दुआएं देंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की मेरी कोई भी नई वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए करे। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंडे वाली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, आपको मानता है। अल्लाह हाफिज़।